देखिए, इससे तो साफ जाहिर होता है कि ये जो इलेक्शन कमीशन है वो बायस्ड है दूसरी पार्टीज़ के अगेंस्ट। हमें तो प्राइवेट बिल्डिंग्स पे भी हमसे झंडे उतरवाए गए थे, जबकि प्राइवेट बिल्डिंग पे कोई वायलेशन नहीं होती है, आप प्राइवेट बिल्डिंग पे लगा सकते हो। और आप देख रहे हैं कि कल मोदी जी आ रहे हैं और उनके वेलकम के लिए इन्होंने पूरा गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज़ हर पोल पे, अपनी होर्डिंग हर पोल पे इनके झंडे दिख रहे हैं हमें। हमने कंप्लेंट फॉरवर्ड की है थ्रू ऐप, देखते हैं एक्शन होता है कि नहीं, लेकिन अभी तक हम नाउम्मीद हैं इनसे, क्योंकि हमने बड़ी कंप्लेंट्स अभी तक फॉरवर्ड की हैं, किसी भी कंप्लेंट पे कोई एक्शन नहीं हुआ है। एक्शन जी सिर्फ हमारे एनसी के खिलाफ लिया जाता है, बाकी पार्टीज़ के, बाकी बीजेपी के खिलाफ या दूसरी पार्टी जो ABC टीम्स हैं उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाता है, सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ ही एक्शन लिया जाता है और तुरंत वो एक्टिव हो जाते हैं। लेकिन जब हम कंप्लेंट करते हैं तो हमारी किसी भी कंप्लेंट पर, मैंने खुद डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर को व्हाट्सएप पे, मैं आपको बता दिखा भी दूंगा कि मैंने वो जो कम्युनल एड्स वगैरह भी ये सोशल मीडिया पे चला रही है बीजेपी से, उस पर भी कोई एक्शन नहीं हुआ, आज वो कंटिन्यूसली चल रही हैं। और उसके अलावा जो भी दूसरी वायलेशंस ये करते हैं उस पर भी कोई एक्शन नहीं होता है, सिर्फ एक्शन नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ होता है। अभी तो हमने सिर्फ ये गणपत ब्रिज से लेके और हमने क्लॉक टावर तक आए हम, और हर जगह हर पोल पर होर्डिंग्स और ये झंडे लगे हुए हैं। मेरी यही गुजारिश रहेगी एडमिनिस्ट्रेशन से कि जल्द अज़ जल्द इनको हटाया जाए, वरना हमें प्रोटेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ हमारे खिलाफ एक्शन होता है, इनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं होता। अभी मैं कह रहा हूँ कि सब कुछ इनके कंट्रोल में है, और जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है या स्टेट इलेक्शन कमीशन है वो बायस्ड है दूसरी पार्टीज़ के अगेंस्ट, स्पेशली नेशनल कॉन्फ्रेंस के अगेंस्ट। तो हमें इनसे यही एक बार और रिक्वेस्ट करेंगे कि इसके, वरना लोग देख रहे हैं क्या हो रहा है, सबको पता है कि, लोगों को पता है कि किस तरह से बीजेपी को फेवर किया जा रहा है अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के थ्रू, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज आल्सो, थ्रू इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स आल्सो। तो लोग समझदार हैं, लोग समझ चुके हैं, और इंशाल्लाह लोग वोट के ज़रिए इनको अपना जवाब देंगे। फिलहाल तो मेरी यही अपनी गुजारिश है कि एडमिनिस्ट्रेशन से कि ये फ़ौरन हटा दिया जाए, अगर ये तो साफ वायलेशन है, फ़ौरन इसको हटा दिया जाए। इन्होंने तो कहा था कि हम 60 मिनट्स में इससे एक्शन लेंगे अगर आपकी कोई भी कंप्लेंट आती है, लेकिन पिछली कंप्लेंट्स में कोई एक्शन नहीं हुआ। उल्टा मैं आपको उसका भी प्रूफ देता हूँ, उल्टा जिसने कंप्लेंट की थी उसको नोटिस निकाला गया है कि आप जी प्रूव करो इस वीडियो को कि ये कहाँ पे थी, आप लोकेशन प्रूव करो इसकी, और इसकी डेट और वो प्रूव करो। तो प्रूव करना इसका काम नहीं होता जो कंप्लेंट करता है, प्रूव करना इनका काम होता है एडमिनिस्ट्रेशन का। तो ये उल्टा हम ही से सवाल पूछते हैं कि आप लोग खुद प्रूव करके दे दो हमें। देखते हैं हम सुबह तक क्या एक्शन होता है, एक्शन नहीं होता है तो ठीक है, हम भी अपने अपना जो हमारा स्टैंड होगा हम उस पर बात करेंगे आगे।